इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब बी लाइन, बी लाइन का मतलब है एक सीधी लाइन। ही मेड अ बी लाइन टू कैच हिम, वो उसे पकड़ने के लिए सीधा गया। अब बी इन वंस बोनेट, इसका मतलब है किसी के जहन में कोई ख्याल समा जाना, जहन में किसी ख्याल का समा जाना जो कि निकल नहीं रहा। शी हैज अ बी इन हर बोनेट, के उसके जहन में मौत का ख्याल समा गया है। अब बर्ड ऑफ पैसेज, पैसेज कहा जाता है रास्ता। अब बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब है एक ऐसा शख्स जो कि सैर सियाहत का शौकीन है, सैर सियाहत में रहता है। पोलो वाज अ बर्ड ऑफ पैसेज, के मार्को पोलो सियाहत का शौकीन। अब बर्ड आईज व्यू, व्यू का मतलब है देखना, एंड बर्ड्स आई व्यू कहा जाता है एक हल्की सी नज़र, एक सरसरी जायजा, डेट इज़ कॉल्ड बर्ड आई व्यू। आई हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ दिस बुक ऑफ फिलोसफी, मैंने फिलोसफी की इस बुक का एक सरसरी जायजा लिया। अब ब्रेन वेव, ब्रेन वेव मीन जहन में अचानक से एक अनोखा और अछूता ख्याल आ जाना। आई सॉल्व द प्रॉब्लम विद अ ब्रेन वेव, कि मैंने अपना मसला एक अनोखे ख्याल से हल किया। अब ब्लैक शीप, ब्लैक शीप एक बुरे पर्सन को कहा जाता है, नुकसान पहुंचाने वाला या धोखा देने वाला। वन ब्लैक शीप कैन ब्रिंग अ बिग डिसास्टर, कि एक बुरा शख्स भी बड़ी तबाही का बायस बन सकता है। अब ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ब्लेसिंग कहा जाता है रहमत, खुशबख्ती, कुछ अच्छा। इन डिसगाइज, डिसगाइज मीन भेस बदला हुआ, जिसने रूप बदल रखा हो। डिले ऑफ ट्रेन प्रूव्ड अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर अस, ट्रेन में ताखीर होना हमारे लिए तकलीफ के भेस में एक रहमत थी। अब ब्लाइंड एले, अब ब्लाइंड एले कहा जाता है एक बंद गली, जहाँ रास्ता बंद हो जाए। मुहावरतन इसे ना पाए मानदन ना जाए रफ्तन भी कहा जाता है, कि ना आगे कोई रास्ता है और ना ही पीछे। His thoughtless actions led him into a blind alley. Thoughtless action यानी कि बिला सोचे समझे के actions ने उन्हें एक बंद गली में लाके खड़ा कर दिया। अब blue stocking, blue stocking का मतलब blue color की stocking नहीं है, बल्कि blue stocking एक महज़ब खातून, एक अदबी ज़ौक रखने वाली female को कहा जाता है। She pretends to be a blue stocking, कि वो अपने आप को blue stocking pretend करती है, जाहिर करती है। blue blood कहा जाता है मुअज़्ज़ज़ और अच्छी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले को। His courteous manners show his blue blood, के उसके courteous manners, उसके अच्छे आदात, उसकी अच्छी नस्ल को जाहिर करते हैं। Blue mood उदास मूड को कहा जाता है। She is still in blue mood after her husband's death, के वो अपनी हस्बैंड के डेथ के बाद अभी तक उदास गमगीन मूड में है। ब्लू मून का मतलब है कोई ऐसा वाक्या या इंसिडेंट जो कि बहुत कम, शाजो नादिर ही वाक्या हो। सच मिरेकल्स हैपन वंस इन अ ब्लू मून, के ऐसे मिरेकल्स इस किस्म के मूड से बहुत कम ही वकूफ पजीर होते हैं। अब बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन कहा जाता है फसाद की जड़। बोन मीन के हड्डी, बोन ऑफ कंटेंशन जैसे कि हड्डी पर डॉग्स लड़ा करते हैं। फसाद की जड़ एक वो चीज़ जो कि लड़ाई की वजह है, फसाद की जड़ है, डेट इज़ कॉल्ड अ बोन ऑफ कंटेंशन। This house is a bone of contention between two brothers, के ये मकान दो भाइयों के दरमियान bone of contention है, फसाद की जड़ है। A burning question mean a serious issue, एक अहम मसला। The women's right has been a burning question, women's right एक burning question रह चुके हैं।